हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं गाउचर डिजीज की। समझने की कोशिश करते हैं कि जो गाउचर डिजीज है होती क्या है और किस तरह से बॉडी के मैकेनिज्म को अफेक्ट करती है, और फाइनली देख लेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा हो सकती है जो कि गाउचर डिजीज को ठीक करने में हेल्प कर सकती है, या फिर इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मिनिमाइज करके पेशेंट को कंफर्टेबल लाइफ सर्वाइव करने में मदद करती है। बात समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ बातें आपको समझ में आने वाली हैं। तो देखिए, जो गाउचर डिजीज है इसमें स्प्लीन, लीवर या फिर बोन में एक फैटी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। उस फैटी मटेरियल के इकट्ठा हो जाने की वजह से ये जो अंग हैं स्प्लीन, लीवर या फिर बोन अपना काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते, और जब नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसी वजह से साइन और सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं। खास बात, गाउचर डिजीज जो जेनेटिक होती है, यानी फादर से बच्चों में या फिर बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती रहती है, तो इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है। और किस वजह से होता है अगर उसकी बात करें तो एक एंजाइम होता है उसकी कमी की वजह से होता है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। इस एंजाइम की कमी की वजह से मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, और उस मटेरियल का नाम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइट। एक मटेरियल है और इकट्ठा कहां होता है, लीवर में हो सकता है या फिर बोन में हो सकता है या फिर स्प्लीन में। कारण क्या है, एक एंजाइम की कमी, और एंजाइम का नाम क्या है, इसी मटेरियल के नाम पे है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। ये एंजाइम नहीं पाया जाता, और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड है नहीं टूट पाता फैट में और ग्लूकोज में। यानी यूं समझ लीजिए कि फैट और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सेरेब्रोसाइट बनता है। जरूरत के हिसाब से इस सेरेब्रोसाइट को तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए बॉडी एंजाइम यूज करती है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। तो फैट और ग्लूकोज में टूट जाता है, तो इस जो ग्लूकोज है इससे बॉडी एनर्जी बना लेती है, तो इस तरह से बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में ये जो एंजाइम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज ये नहीं बन पाता है, या कमतर मात्रा में बनता है, और कमतर मात्रा में बनने की वजह से ये जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज साइड है ये इकट्ठा हो जाता है लीवर में, बोन में, स्प्लीन में। तो सीधी सी बात है, अगर मटेरियल इकट्ठा होगा तो इनकी साइज बढ़ेगी, लीवर की साइज बढ़ती है तो इसको हिपेटोमेगैली बोलते हैं, स्प्लीन की साइज बढ़ती है तब उसको स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। उसी तरीके से बोन में भी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। अब बोन का काम क्या है कि ब्लड जनरेट करना, जो बड़ी बोन है उसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है और WBC RBC की सिंथेसिस करते हैं, और अगर वहां पर भीड़ मच गई, जैसे मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कोई काम करते हैं ऑफिस में, अब ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तब आप अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं या करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बाहर के जो एकोमोलेशन है, मटेरियल है, उससे दिक्कत हो रही है जो लोग खड़े हैं। उसी तरीके से लीवर स्प्लीन के भी साथ होता है, अगर एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा हो गया तब वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाता, तो उस वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो अब देखिए, लीवर आप जान ही रहे हैं कि बॉडी का प्रोसेसर है, और स्प्लीन और उसी तरीके से बोन सब क्रूशियल कंपोनेंट हैं बॉडी के। तो देखिए लिखा है, गाउचर्स डिजीज में फॉर्मेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन स्प्लीन लीवर बोन, यही जो फैटी सब्सटेंस है बन गया है, दरअसल इसको खत्म भी होना चाहिए तो बॉडी रिन्यूअल का प्रोसेस चलते रहना चाहिए था, लेकिन ये इकट्ठा हो गया है। अब सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, देखिए एब्डोमिनल कंप्लेंट्स लीवर की वजह से, और स्केलेटल एबनॉर्मलिटी बोन की वजह से, और ब्लड डिसऑर्डर स्प्लीन की वजह से।
तो इस तरह के डिसऑर्डर हैं। अब अगर लीवर से संबंधित डिसऑर्डर आ गया तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है कि फैटी लीवर हो जाएगा, 1, 2, 3 ग्रेड का हो सकता है, और उस वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आते हैं। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में जैसे गैस का बनना, एबनॉर्मलिटी इन डिफिकेशन यानी स्टूल ठीक से पास नहीं होना, पाइल्स, इसी तरीके से अनगिनत समस्याएं आ जाती हैं अगर लीवर इन्वॉल्व हो गया है। और स्प्लीन प्लेटलेट्स को कम कर देता है बॉडी के अंदर, अगर उसकी साइज बढ़ गई है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और उसके अलावा और दूसरी दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं, जैसे WBC RBC तेजी से टूटने लगते हैं। अब अगर ये तेजी से टूटने लगेंगे तो सीधी सी बात है कि एनीमिक पेशेंट हो जाएगा, चलने में सांस फूलने लगेगी। अब चलने में सांस फूल रही है तो अब मल्टीफैक्टोरियल हो जाता है, हार्ट में भी डिसऑर्डर है तो भी होता है, लंग में डिसऑर्डर है तो भी होता है। तो इस तरह से इसको डायग्नोसिस करके समझा जाता है कि दिक्कत कहाँ पे है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं गाउचर डिजीज की, तो इसमें ब्लड के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं पहले, उसके बाद WBC यानी हीमोग्लोबिन भी कम होता जाता है। और एक तरफ से दूसरे एक तरफ से अगर देखा जाए तो अफेक्ट है बोन भी। अब बोन अगर अफेक्ट है तो फ्रैक्चर की संभावना बन जाती है, तो कि बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो अगर बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो फ्रैक्चर की संभावना बन जाती है। और खास बात, उसके अंदर जो कैपिलरी होती है उसका सर्कुलेशन भी अफेक्टेड हो जाता है, और सर्कुलेशन अफेक्टेड हो जाता है तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। और हीलिंग प्रोसेस अगर ठीक से नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है कि देर में बोन जुड़ेगी या फिर वहां पे पस बन सकता है। तो इसी तरीके से एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ करके विकराल रूप बना लेती है। तो लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, होम्योपैथी में है दवाइयां जो कि इस गाउचर डिजीज के सिम्टम्स को कम करती हैं, और ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है लेकिन ठीक भी कर सकती होंगी, क्योंकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं जो कि किताब में भी नहीं लिखे गए हैं। तो इस गाउचर डिजीज से सहायता के लिए और इससे मुक्ति के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं जो कि इस लीवर, बोन और स्प्लीन तीनों को अफेक्ट करती हैं, तो उनसे हेल्प हो जाएगी। अब देखिए यहां पे जो दवा बताई जा रही है एक कॉमन सी दवा है, हर एक इंडिविजुअल के लिए दवा अलग अलग हो सकती है, उसकी एज, डिजीज की कंडीशन और अन्य फैक्टर सब। तो यहां पे जो दवा बताई गई है बस इतनी ही दवा नहीं है, और बेहतरीन दवाइयां हैं जो कि इस गाउचर डिजीज में हेल्प कर सकती हैं, जो फैटी मटेरियल है उसको इमल्सिफिकेशन कर सकती हैं, फैटी मटेरियल को यूटिलाइज करने के प्रोसेस को बॉडी के अंदर इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो इमल्सिफिकेशन का भी प्रोसेस चल सकता है, चलेगा, तो जो फैटी मटेरियल है वो इकट्ठा जो है वो टूटने लगेगा, तो बीमारी से मुक्ति मिलने लगेगी। तो अगर देखा जाए तो जो लीवर, बोन और स्प्लीन तीनों को अफेक्ट करने के लिए कई दवाइयों में से अगर पहली दवा की हम लोग बात करें तो हाइड्रेस्टिस है, दूसरी दवा चिलिडोनियम, और तीसरी दवा सिनेंथस। जब स्टार्ट करें तो मदर टेंचर से स्टार्ट करें, पहले इसका 15 बूंद 3 टाइम, एक महीने तक लें। उसके बाद इस चिलोनियम को लेने लगे, इसका भी 15 बूंद 3 टाइम, एक महीने तक लें। फिर अगले में सिनोथस ले लें, 15 बूंद 3 टाइम। तो देखिए इस डिजीज में धैर्य रखना पड़ेगा तभी आराम आता है, ऐसा नहीं कि सडन फीवर मलेरिया जैसा हो जाएगा कि तुरंत ठीक होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, दवा को यूज करते रहना पड़ेगा, सिम्टम्स आएंगे, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं आने वाले हैं
उन सबसे धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाएगी। इस तरह से कुछ भी बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर सकते हैं, किसी की जानकारी बढ़ जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।